हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिस्टम डिजाइन आई एम गोइंग टू डिस्कस बैरल शिफ्टर व्हाट इज बैरल शिफ्टर एज नेम सजेस्ट दिस इज शिफ्टर इट शिफ्ट द बिट्स अब ये बिट्स कैसे शिफ्ट करता है क्या सर्किट यूज करता है ठीक है तो वो डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैरल शिफ्टर होते हैं दे आर डिजिटल सर्किट बट दिस इज नॉट सिक्वेंशल सर्किट क्या याद रखना है कि दिस इज नॉट सिक्वेंशियल सर्किट बिकॉज जब भी हम शिफ्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है शिफ्ट रजिस्टर और शिफ्ट रजिस्टर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिफलॉप मीन्स के उसमें हम फ्लिफ्लॉप यूज करते हैं बट इन केस ऑफ बैरल शिफ्टर वी नॉट यूज फ्लॉप्स हम क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं इसमें मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट मीन्स की बैरल शिफ्टर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट नॉट सिक्वेंशियल सर्किट ठीक नाओ क्यों यूज करते हैं नेम के अकॉर्डिंगली ने, इसको हम या तो बिट को शिफ्ट करने के लिए यूज करेंगे और वी कैन यूज इट फॉर रोटेटिंग द बिट्स ठीक है नाव वन मोर थिंग अब ये जो है बैरल शिफ्टर होता है इट कैन शिफ्ट bits in right direction as well as left direction. That is depends on the control input. और ये कितनी bit को shift करता है वो depend करता है कि हम कितने bit का shifter बना रहे हैं In this video, I will discuss 4 bit barrel shifter. ठीक है Now इसका application की बात करते हैं तो दिस इज़ यूज इन माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और जनरली इसको हम यूज करते हैं अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट से पहले ठीक है मीन्स कि हम डेटा को शिफ्ट करके या रोटेट करके ए एल यू को देते हैं जहां पर हमें अर्थमैटिक लॉजिकल और सर्कुलर मोड ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है ठीक तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अब हमारे पास है फोर बिट बैरल शिफ्टर मीन्स की फॉर दिस हम यूज़ करेंगे फोर मल्टीप्लेक्सर और वो सारे मल्टीप्लेक्सर होंगे हमारे फोर इज टू वन के क्लियर बनाना तो है फोर बिट पैरल शिफ्टर अगर ये फोर बिट है तो हाउ मेनी मक्स इज रिक्वायर्ड फोर मक्स रिक्वायर्ड होंगे वन टू थ्री फोर ठीक है और ये सारे के सारे क्या होंगे फोर इज टू वन फोर इज टू वन है मीन की फोर इनपुट्स आई नोट आई वन आई टू आई थ्री आई नोट आई वन आई टू आई थ्री सब में में लिख लेती हूं ठीक है आउटपुट वन आउटपुट वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई नॉट यू कैन चेंज द सीक्वेंस वाई नॉट इधर ले सकते हो वाई वन बाई टू आप जैसे मन चाहे वैसे ले सकते हो इट्स अप टू यू ठीक है ये हो गए आउटपुट्स वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई नॉट ठीक नाउ फोर इज टू वन है मीन्स की नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन टू होंगी एस वन एस नॉट एस वन एस नॉट एस वन एस नॉट एस वन एस नॉट नाउ दिस इज वन सर्किट तो सिलेक्शन लाइन भी हमारी क्या होंगी कॉमन होंगी मैं अलग कलर यूज कर लेती हूँ ठीक है S1 वन यहां से कनेक्टेड है इसके लिए यहां से कनेक्टेड है और इसके लिए यहां से कनेक्टेड है नाउ S नॉट दिस इज S नोट ठीक है ऐसे एक कनेक्शन शो कर देना है ताकि कन्फ्यूजन ना है ठीक ये हो गया नाउ फोर बिट्स थी तो हमारे पास यहाँ पे फोर वर्ड लाइन्स होंगी ठीक है मैं वो कनेक्ट कर देती हूँ डब्लू थ्री डब्लू टू डब्लू वन डब्लू जीरो ठीक है फोर बिट्स थी ठीक नाउ मैं यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल भी बना देती हूँ तो इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ मैं ये हो गया वाइन नोट ठीक है ट्रुथ टेबल या ऑपरेशन टेबल ठीक है सिलेक्शन लाइन या सेलेक्ट लाइन आउटपुट ठीक है सिलेक्शन लाइन एस वन एस नॉट आउटपुट वाई थ्री वाई टू वाई वन वाई नॉट ठीक है जीरो 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 पर इन पे क्या होंगे जीरो जीरो पर डब्लू थ्री जीरो जीरो के केस में सभी के आई नॉट सेलेक्टेड होंगे ठीक है फर्स्ट आपका वाई थ्री कनेक्टेड होगा विथ डब्लू थ्री यहाँ पर हमारा कनेक्टेड होगा विथ डब्लू टू ये कनेक्टेड होगा विथ डब्लू वन और ये कनेक्टेड होगा विथ W नॉट ठीक मीन्स की W3, W2, W1, टू डब्लू वन डब्लू नॉट नाउ जीरो वन आया ठीक है जब जीरो वन होगा उस केस में हमारे क्या इनपुट सेलेक्टेड होंगे I1, 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 ठीक है एट दिस टाइम Y3 जो इसकी आउटपुट है वो कहाँ शिफ्ट होगी नेक्स्ट में शिफ्टिंग हो रही है मीन्स की नेक्स्ट में शिफ्ट होगी तो इसकी आउटपुट क्या थी W3 मीन्स की नाउ I1 ऑफ दिस विल बी कनेक्टेड विथ W3 थ्री प्रीवियस वाले की आउटपुट से इसकी आउटपुट क्या थी W2 तो ये किससे कनेक्टेड होगी इसके लिए दिस वन मीन्स कि इसका I1 वन कनेक्टेड होगा विथ W2 ठीक है नाउ आउटपुट ऑफ दिस विल बी कनेक्टेड विथ I1 वन सॉरी डब्लू ठीक है नाउ इसकी आउटपुट क्या थी W0 तो W0 किस पर अप्लाई होगी इस पर रोटेशन हो जाएगा ऐसे ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा W0 ठीक मीन्स की आउटपुट्स क्या हो गई W0 डब्लू थ्री डब्लू टू डब्लू वन के वन जीरो वन जीरो केस में आई टू आई टू आई टू आई टू सेलेक्टेड होंगे ठीक है नाउ अब इसकी जो आउटपुट थी दैट वॉज डब्लू जीरो तो डब्लू जीरो कहां जाएगी इसको मीन्स की आई टू डब्लू जीरो से कनेक्ट हुआ तो यहां हम क्या लिखेंगे डब्लू जीरो नाव यहां पर हमारा क्या था डब्लू थ्री था तो ये डब्लू थ्री कहाँ शिफ्ट होगा इसको ठीक है मीन्स की इसके पर हमें मिलेगा डब्लू थ्री ठीक है नाउ यहां पर क्या था डब्ल्यू वन ठीक है पर क्या था? Now, यहां पर क्या थी आउटपुट डब्लू टू ये डब्ल्यू टू कहां शिफ्ट होगी ये डब्लू टू थी ये कहां शिफ्ट होगी इस पर मीन की इसको क्या मिलेगा डब्लू टू ठीक है क्लियर नाउ इसकी आउटपुट क्या थी डब्लू वन तो ये डब्ल्यू वन कहां शिफ्ट होगी इसको मीन्स की ये कनेक्शन होगा यहाँ पर रोटेशन होना है ठीक है तो वैल्यूज लिख देते हैं यहाँ पर डब्लू टू और यहाँ हो गया डब्लू वन नाउ लास्ट केस लास्ट केस अभी आउटपुट ऑफ वाई थ्री क्या है आउटपुट ऑफ वाई थ्री इज डब्ल्यू वन मीन्स की डब्लू वन शिफ्ट होगा इस मक्स को मीन्स की आई थ्री पर यह मिलेगा बिकॉज नेक्स्ट सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या होगी वन वन सबके आई थ्री सेलेक्टेड होंगे ये डब्लू वन शिफ्ट हुआ इसको ठीक है

तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी राइट right शिफ्टिंग हो रही है अगर आपने लेफ्ट शिफ्टिंग करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही इनपुट दोगे और वैसे ही उसके आप शिफ्टिंग करोगे क्लियर तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू